फुलवारी शरीफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस ने शराब से भरी एक ट्रक को पकड़कर शराब माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि मौके से ट्रक ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। फुलवारी शरीफ पुलिस को सूचना मिली कि विदेशी शराब से भरा एक 10 चक्का ट्रक, जिस पर राजस्थान नंबर अंकित है, फुलवारी के रास्ते गंगा के दूसरी पार जा रहा है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस चौकस हो गई और हर ट्रक पर अपनी पैनी नजर जमाए रखी थी। वहीं शुक्रवार की रात राजस्थान नंबर से अंकित ट्रक फुलवारी के रास्ते से गुजर रहा था। वहीं मौके पर तैनात फुलवारी शरीफ थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान राम एवं पुलिस फोर्स ने उसे रोकना चाहा। हालांकि ट्रक तो रुक गई, मगर ट्रक ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। जब उस ट्रक को जब्त करके थाने लाया गया और उसकी छानबीन की गई, तो उस ट्रक से अत्यधिक मात्रा में पंजाब में निर्मित विदेशी शराब पाया गया। एम्स रोड से पकड़ाया है गुप्त सूचना पर। ट्रक ड्राइवर भी पकड़ाया है। ट्रक ड्राइवर और चालक दोनों भाग गया था गाड़ी से। काउंट हो रहा है, काउंटिंग के बाद क्लियर पता चलेगा। अंदाजा क्या लगाए हम कारोबार थोड़े करते हैं। सर ये ट्रक कहाँ से आ रही थी? ट्रक झारखंड से आ रही थी। सर ट्रक के अंदर मतलब किस तरह से मालूम चला कि इसमें शराब है? गुप्त सूचना मिला था। शराब के ऊपर में कुछ था क्या? हाँ, ये चोकर टाइप का कुछ है। हालांकि शराब तस्करों ने उस विदेशी शराब के कार्टून एवं बोतल में अंकित बैच नंबर को नष्ट कर दिया था, ताकि पता न चले कि शराब पंजाब के किस फैक्ट्री में बनी है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रक में लगभग 500 पेटी से ज्यादा विदेशी शराब रखी हुई थी। फुलवारी शरीफ पुलिस को शराब का एक बहुत बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इधर पुलिस शराब को जब्त करते हुए उसकी गिनती कर रही है। वहीं शराब कहां से लाई जा रही थी, कहां पर भेजनी थी और इस ट्रक का ड्राइवर कौन था, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है।